बॉलीवुड के सिंघम अजय देवगन की बेटी न्यासा देवगन और गोविंदा के बेटे यश वर्धन आहूजा इन दिनों अपनी शादी को लेकर खूब सुर्खियों में हैं और न्यासा के सास सुनीता आहूजा भी न्यासा को खूब पसंद करती है, जो काफी एक्साइटेड भी हैं न्यासा को अपनी बहू बनाने के लिए। लेकिन क्या आप जानते हैं, जहां न्यासा के सासू माँ सुनीता आहूजा इस रिश्ते से बेहद खुश है, तो वहीं उन्हें न्यासा देवगन की कुछ आदतें बिल्कुल भी पसंद नहीं है। जी हाँ, न्यासा की कुछ ऐसी आदतें हैं जो उनकी होने वाली सासू माँ को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो आखिरकार कौन सी है वो आदतें, चलिए जानते हैं हमारी इस वीडियो के जरिए। नंबर वन, बिहेवियर। सबसे पहली आदत न्यासा देवगन की, जो इनकी सास सुनीता आहूजा को बिल्कुल भी पसंद नहीं है, वो है इनका बिहेवियर। जी हाँ, न्यासा का बिहेवियर काफी चिड़चिड़ा है, साथ ही न्यासा में काफी एटीट्यूड है। फिर चाहे वो इनकी पर्सनैलिटी को लेकर हो या इनके पैसे को लेकर, न्यासा किसी से भी सीधे मुंह बात नहीं करती। उनकी हर बात में उनका एटीट्यूड साफ झलकता है, जिसकी वजह से कई बार इनकी काफी जगह लड़ाई भी हो चुकी है, और यही आदत सुनीता आहूजा को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। नंबर टू, क्लब पार्टी। अजय देवगन की बेटी न्यासा देवगन को क्लब में पार्टीज करने का बेहद शौक है, जहां वो आए दिन हर किसी पार्टी में नजर आती है। और हाल ही में न्यासा देवगन एक क्लब पार्टी से निकलती हुई नजर आई थी। इनकी इस क्लब पार्टी की आदत की वजह से ही काफी बार अजय देवगन को भी शर्मिंदा होना पड़ा है, और इनकी ये आदत भी इनकी होने वाली सासू माँ को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। नंबर थ्री, शॉपिंग और फिजूल खर्च। सुनीता आहूजा को न्यासा देवगन की फिजूल खर्ची बिल्कुल भी पसंद नहीं है। न्यासा देवगन काफी हाई स्टैंडर्ड की लाइफ जीना पसंद करती हैं, इसीलिए उनके कपड़ों से लेकर उनके शूज तक सब कुछ ब्रांडेड होते हैं, जिसकी कीमत लाखों में होती है। और वो आए दिन कुछ न कुछ नई शॉपिंग करती रहती है, जिनकी इस आदत से इनकी होने वाली सास बिल्कुल भी खुश नहीं है। उनका कहना है कि न्यासा को फिजूल खर्च कम करना चाहिए, जो उनके आने वाले समय में उनके काम आ सकती है, क्योंकि सुनीता आहूजा खुद फिजूल खर्च करना पसंद नहीं करती। वेल दोस्तों, आप अजय देवगन की बेटी न्यासा देवगन की आदतों के बारे में जानकर क्या कहना चाहेंगे? आप हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही ऐसी तमाम खबरों को जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।